ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगरा टोली रांची। कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राजधानी रांची में हुई भाजपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या की सीबीआई या किसी विशेष एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। जयमंगल सिंह ने कहा है कि जमीन से जुड़ी हुई हत्याएं लगातार हो रही है। बीजेपी का मसला नहीं है या विपक्ष का मसला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सत्ता पक्ष का भी अहम मसला है और राज्य में रहने वाले हर एक जिम्मेवार व्यक्ति का लॉ एंड ऑर्डर मसला होता है, चाहे वो विपक्ष के सदस्य हों चाहे वो सत्ता पक्ष के सदस्य हों। मेरा मानना है कि जिस हिसाब से कमल भूषण के रिलेटेड जो हत्या हो रही है, उनके करीबी लोग की हत्या हो रही है, निश्चित तौर पर एक पर्टिकुलरली लॉ एंड ऑर्डर का विषय को लेकर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए सीएम साहब ने बैठक भी किया है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी साहब और सभी लोगों ने प्रोजेक्ट भवन के बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी की है। एक दिन में करीबन 80 लाख रुपए पकड़ाए गए हैं, उसके बाद जो तमाम गैंग्स थे उनके गुरखे पकड़ाए गए हैं, रेड्स चला है, एनुमिनेशन बरामद हुआ है, मैं समझता हूँ। लेकिन जो ये जो केस हुआ है रांची में जो हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ कि सरकार को हाई लेवल जाँच कराना चाहिए, इसको सीआईडी को या फिर उससे भी ऊपर अगर ज़रूरत पड़े सीबीआई को, तो सरकार को उसको भेजना चाहिए। क्योंकि कमल भूषण से रिलेटेड अब तीसरा हत्या बोला जा रहा है कि ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है ये सरकार का अहम विषय है। इसमें बीजेपी हमें सलाह दे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम साहब गंभीर है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।